नमस्कार दोस्तों, मैं दालिब शाह स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जेल पेरी का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। आप पीईबी पे जाके उसको चेक कर सकते हो। तो भाई अभी से हमको उसकी तैयारी में लग जाना है, 24 अक्टूबर से उसके एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसी को लेके अब आज से हमारी साइंस के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर के जो क्वेश्चन है साइंस के, ठीक है, क्योंकि आपने सिलेबस देखा है उस सिलेबस में 20 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, इसलिए हमारी आज से कंटिन्यू सीरीज चलेगी और आपको डेली की डेली इसको अटेंड करना है। इसके अलावा भाई अगर आपको जेल पेरी से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, जैसे सिलेबस क्या होता है, उसका शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, शारीरिक योग्यता क्या होती है, फिजिकल कैसे होता है, उसका सिलेबस कैसा है, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। तो हमारी जो अगली वीडियो रहेगी वो उसी के ऊपर एक बन जाएगी, ठीक है, जिससे आपको सारी जानकारी मिल सके। तो आज का जो हमारा साइंस का पहला हमने प्रीवियस ईयर का पेपर उठाया है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होती है। भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, भाई ये साइंस है, ठीक है। तो बीमारी परजीवी कृमि के कारण होती है। वैसे आपने सुना होगा भाई, बीमारी बैक्टीरिया के कारण भी होती है, वायरस के कारण भी हो सकती है, फंगस के कारण भी होती है, लेकिन यहाँ पे परजीवी कृमि के कारण पूछ रहा है। परजीवी भाई जो दूसरों पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है भाई, इसका आंसर है हमारे पास डी, ए और सी दोनों। कैसे भाई? जैसे फील पाओ, फील पाओ आपने सुना होगा, इसको हाथी पाओ भी बोलते हैं, ये आपका व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टाई, ये परजीवी का नाम बता रहा हूं मैं, जिसके कारण होता है ये हमारे जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है वहां पे धीरे धीरे भाई भोजन बनाना प्रारंभ करता है, और जब भोजन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो हमारा पूरा के पूरा लोअर पार्ट सूज जाता है, और सूज के हमारे जो पैर होते हैं वो एकदम हाथी पांव टाइप हो जाते हैं, इसलिए उसको फील पांव बोलते हैं। तो ये तो भाई बिल्कुल सही है। सेकेंड एड्स, तो एड्स तो आपको पता है वायरस से होता है, और एस्कारियासिस भाई ये भी आपका परजीवी से होता है, आपने एस्केरिस नाम सुना होगा, एस्केरिस एक गोलकृमि होता है, परजीवी होता है, जिसके कारण हमारे फेफड़े ब्लॉक हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, बहुत तेज खांसी चलती है, जैसे अभी कोरोना में हो रहा है ना, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, भाई कोई वस्तु है जिसपे आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो वो काम किस पे निर्भर नहीं करता है। अच्छा भाई ये नहीं पे आपको फोकस करना है। कई बार होता है क्या, एग्जाम में हम नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं, फिर घर आके बोलते हैं यार नहीं था, मैंने तो सोचा होगा, ठीक है, तो नहीं करता है। तो इसका जो आंसर है भाई सी है। सी कैसे? जैसे भाई सबसे पहले तो विस्थापन, स्वाभाविक है भाई, विस्थापन होगा तभी कार्य होगा, तो विस्थापन पे निर्भर करता है। लगाया गया बल, आप बल नहीं लगाओगे तो भाई कार्य नहीं होगा, मतलब बल पे भी वो निर्भर करता है। अनुगमित पथ, भाई मार्ग से उसको कोई मतलब नहीं है, ये आप ध्यान रखोगे, बल और विस्थापन के बीच एंगल पे बिल्कुल इस पे भी वो निर्भर करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, भाई लंबवत 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, और कहाँ फेंक रहे हो आप उसको, ऊपर फेंक रहे हो, तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल किस दिशा में होगा। अच्छा जो फुटबॉल है कहाँ जा रही है भाई, ऊपर की ओर जा रही है, और पृथ्वी उसको कहाँ खींचती है, नीचे की ओर, तो उसकी दिशा के क्या होगा भाई, बल विपरीत दिशा में होगा। आया समझ में? इसलिए आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जब हम नाव से बाहर कूदते हैं, भाई आपको नाव से बाहर कूदना है, आया समझ में, तो नाव विपरीत दिशा में जाती है, ये आपको पता है भाई, कई व्यक्तियों ने कूदा होगा तट पे, भाई किनारे पे हम कूदे होंगे कई बार, तो जब हम कूदते हैं तो भाई हमारे पैर से हम बल लगाते हैं नाव के ऊपर, तो नाव स्वाभाविक के पीछे की ओर जाती है, और नाव भी हमारे पैर पे बल लगाती है। ये भाई आपका न्यूटन के गति का तीसरा नियम, क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया। तो आपने दोनों पैर से नाव को पीछे की ओर धकेला है, तो नाव आपको कहाँ धकेलेगी, आगे की ओर धकेलेगी, तो आप आराम से तट पे कूद जाओगे, और नाव कहाँ चली जाएगी, पीछे की ओर। तो यह है आपके न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो आंसर क्या होगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा भाई ये न्यूमेरिकल है, इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है, भाई ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका, एक ध्वनि तरंग के लिए, भाई तरंग का ही, एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है, और किसी दिए गए माध्यम में चाल कितनी है, 352 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। अच्छा तरंग दैर्ध्य क्या होता है भाई, तरंगों की लंबाई होती है। तो इसके लिए भाई एक आपके पास फॉर्मूला है, जैसे यहां मैं लिखता हूँ भाई, तरंग की चाल, या चाल ना दे आपको तो क्या देख सकता है वो लिख के, वेग बराबर होता है भाई आपका, क्या होता है यहाँ पे, तरंग दैर्ध्य, ये आपको ध्यान से समझना भाई, ठीक है, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपका, ये है आपका तरंग दैर्ध्य, ठीक
ठीक है। तो ये आपका जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तरंग दैर्ध्य। अब देखो भाई ये जो तरंग दैर्ध्य होता है ये हमारे पास दिया हुआ है, अच्छा ये क्वेश्चन में पूछा गया है तरंग दैर्ध्य आपका, और इनटू में क्या है भाई आपके पास आवृत्ति, ये उसका फॉर्मूला है भाई, ये आपको ध्यान से समझना है फॉर्मूला है। अब दिया क्या है आपको, चाल दी हुई है ठीक है, और तरंग दैर्ध्य आपसे पूछा गया है, तो भाई ये आपको सबसे पहले तो आवृत्ति का क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर करोगे तो पक्षांतर में भाई चाल के बटे में क्या आ जाएगा भाई आपका आवृत्ति आ जाएगा, आया समझ में, ये आपका आवृत्ति आ जाएगा यहाँ पे काय के बटे में, चाल के बटे में ठीक है। अच्छा प्लस माइनस में होता तो इधर आके वो प्लस माइनस में हो जाता, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, लेकिन इनटू में इसलिए वो आवृत्ति नीचे आ गई, बराबर क्या हो गया आपका तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को लेमडा से दर्शाते हैं इसलिए मैं यहाँ पे लेमडा लिख देता हूँ। अब चाल कितनी है भाई, इतना तो आप लिख सकते हो आराम से, चाल कितनी दी हुई है 352, आवृत्ति कितनी है आपकी 8800 आवृत्ति दी हुई है, ये आपका तरंग दैर्ध्य हो गया। जब आप इसको काटोगे तो आंसर यह आएगा आपका 0.04, तो ये आपकी क्या आ गई भाई तरंग दैर्ध्य आ गई। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, इसका आंसर देख लेते हैं भाई क्या है, डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इमारतों को आकाशीय बिजली यानी जो आकाश से भाई बिजली गिरती है ना उससे बचाने के लिए भाई किसका प्रयोग करते हैं, तो यह है भाई आपका लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तड़ित चालक, आपने नाम सुना होगा इसको। ये भाई एक चालक धातु से बनाया जाता है आपका तड़ित चालक, और उससे एक तांबे के तार को जोड़ के जमीन में नीचे लाके गाड़ देते हैं। जब तड़ित चालक को लगाते कहां है भाई, भवन के ऊपर, घर के ऊपर लगाते हैं, और उससे एक तार को जोड़ते हैं तांबे के क्यों, क्योंकि वो चालक होता है, और उसको नीचे लाके जमीन में गाड़ देते हैं ताकि बिजली गिरेगी तो बिजली का विसर्जन हो जाएगा कहां आपके जमीन में, और भवन को कोई नुकसान नहीं होगा, आया समझ में। तो इसका आंसर है क्या भाई, डी। इसके अलावा सिस्मोग्राफ भूकंप मापी है, बेरोमीटर वायुदाब मापी, और इलेक्ट्रोस्कोप इससे हमारे शरीर पे विद्युत आवेश मापा जाता है, तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है। भाई जब भी आपको वायुयान एरोप्लेन वगैरह के ईंधन की पूछी जाए तो बेझिझक निशान लगा के आना तरल हाइड्रोजन यानी द्रव हाइड्रोजन पे, तो आंसर क्या है भाई आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है, यानी एक गर्म वस्तु है वो किसके संपर्क में आ रही है भाई, ठंडी वस्तु के, तो क्या होगा भाई, गर्म वस्तु का जो टेम्परेचर है वो कहाँ भाई स्थानांतरित होगा, ठंडे में, आया समझ में, ठंडे से गर्म में नहीं आता है, ये आप ध्यान रखना भाई। तो इसका जो आंसर है वो आएगा सी, उष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में जाती है, आया समझ में ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक टेडपोल यानी मेंढक के बच्चों की बात हो रही है भाई ठीक है, एक टेडपोल निम्न प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेंढक में विकसित होता है, इसका आंसर आएगा भाई कायांतरण ए, क्यों आएगा, देखो कायांतरण एक ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई भी जीव जन्म लेता है या जब अंडे से निकलता है तो बहुत कम समय में उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं, जैसे भाई तितली भाई जब जन्म होता है उसका तो वह एक इल्ली रहती है, रेंगने वाली, उड़ नहीं सकती, लेकिन कायांतरण के बाद बहुत कम समय में वो कुछ ही समय में तितली में बदल जाती है, तो आप सोच नहीं सकते कि तितली कभी इल्ली रही होगी ठीक। वैसे ही जो मेंढक के बच्चे हैं वो एक मछली रहते हैं, नन्नी सी छोटी सी मछली रहते हैं, लेकिन कायांतरण के बाद भाई वो मेंढक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका कायांतरण। निषेचन तो आपको पता है, मुकुलन भी आपको पता है ठीक है, मुकुलन में क्या होता है किसी एक पेड़ के ऊपर दूसरा पौधा विकसित हो जाता है और कुछ समय पश्चात उससे अलग हो गया एक नए पौधे के रूप में विकास कर जाता है। क्लोनिंग भाई, क्लोनिंग जो होता है आपका प्रतिरूपण इसको बोलते हैं हम, या इसको आलिंगिक प्रजनन भी बोलते हैं, तो आंसर आएगा उसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलते समय संजय की आवाज, भाई ये कोई व्यक्ति है तो जब वो बोलता है तो बोलते समय उसकी आवाज कर्कश और फटने लगती है ठीक है, तो ये आवाज में परिवर्तन का कारण क्या है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो भाई आप ध्यान रखोगे ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं, और हार्मोनल में विकास कब होता है, हार्मोनलों का परिवर्तन कब होने लगता है, जब भाई हमारा यौवन प्रारंभ होता है ठीक है। भाई जैसे आपने एक बच्चे को देखा होगा उसकी आवाज बचपने में कैसी रहती है, लेकिन भाई जैसे ही भाई वो नवयुवक बनता है उसका यौवन प्रारंभ होता है तो उसकी आवाज भी परिवर्तित तो होने लगती है ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी। लेकिन अगर भाई अगर ज्यादा आवाज कर्कश से फटने ज्यादा लग रही है तो भाई चेक करवाना चाहिए, कैंसर भी हो सकता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जंगल की आग और ज्वालामुखी विस्फोट में हवा में एक मुख्य प्रदूषक
को घोल देते हैं, मतलब जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है और जो जंगल की आग रहती है उनसे एक ऐसा प्रदूषक निकलता है जो हवा में घुल जाता है, उसका नाम बताना है। तो भाई इनसे आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो निकलता नहीं है, हाइड्रोकार्बन भी नहीं निकलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी नहीं निकलता है, निकलते हैं इनसे कणिकीय पदार्थ। जैसे ज्वालामुखी फटता है तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चट्टानों का निर्माण भी होता है, ठीक है, ग्रेनाइट हुआ उसका, बेसाल्ट हुआ आपका, ठीक है, तो ये सारे भाई आएंगे आपके कणिकीय पदार्थ में। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों और स्कूटरों की हेडलाइट में इस्तेमाल होने वाले दर्पण को, ठीक है, दर्पण कौन से होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो भाई ये आपको ध्यान से समझना है, जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है भाई, ये जो दर्पण होता है ये होता है आपका कौन सा वाला, अवतल, इस प्रकार से रहता है भाई अवतल दर्पण, ये बाहर पॉलिश कर रहा हूं मैं आपका, और यहाँ पे एक लाइन खींची हुई रहती है आपकी एकदम इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, और मुख्य अक्ष जो रहता है यहाँ इसका क्या है, वक्रता केंद्र, यहाँ क्या होता है इसका फोकस, और फोकस पे क्या लगी रहती है भाई, आपका बल्ब लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका बल्ब है, और जब भी बल्ब जलेगा तो बल्ब से इस प्रकार से रोशनी निकलेगी तो भाई इससे टकरा के वो पीछे आती है ना, समझ में, पीछे का मतलब भाई लाइट में देखोगे तो सामने हेडलाइट की बात हो रही है, ये देखो यहाँ से निकला प्रकाश और ये आपके दर्पण से पॉलिश किया हुआ है, यहाँ से टकराया और इस प्रकार से परिवर्तित हो गया, तो लाइट एकदम सामने जा रही है भाई आपके, ठीक है, तो ये आपका अवतल दर्पण, तो उसका उत्तर क्या आएगा, अवतल दर्पण, क्योंकि साइड वाले की बात करेंगे, साइड में जो कांच रहते हैं वो रहते हैं उत्तल, समतल तो इसमें हो नहीं सकता और गोलाकार भी नहीं होता है, तो आंसर क्या है भाई इसका, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शब्द कोशिका, अच्छा कोशिका निम्न के द्वारा प्रतिपादित किया गया, कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आपको पता है भाई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, और ये पूरी की पूरी बातें उनकी किताब माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित भी हुआ था 1665 में, भाई उन्होंने एक बोतल के ढक्कन का जो कार्क होता है उससे कोशिका की खोज की थी मृत, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की बात करें तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में, रॉबर्ट ब्राउन ने भाई केंद्रक की खोज की थी कोशिका में 1831, और स्लाइडेन जो है आपके इन्होंने कोशिका जो वनस्पति वाली कोशिका होती है उसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1838 में, तो आंसर आएगा सी, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेफ्थलीन, नेफ्थलीन को फिनाइल भी बोलेंगे भाई, व्हाइट कलर की गोलियां आती हैं वो समय के कारण गायब हो जाती हैं, इसका कारण होता है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें भाई कोई भी ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदलता है और गैस से वापस ठोस में, द्रव अवस्था में नहीं जाता है, जैसे आपने कपूर देखा होगा, कपूर ठोस है और ठोस से गैस और गैस से ठोस, द्रव में नहीं जाता, तो ठीक वैसे ही आपकी फिनाइल की गोलियां होती है, ठीक है, तो आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकी यूकेरियोटिक, भाई यूकेरियोटिक कोशिका की बात हो रही है, और यूकेरियोटिक कोशिका वह होती है जिनमें केंद्रक होता है, कोशिका दो प्रकार की होती है भाई, एक में केंद्रक होता है एक में केंद्रक नहीं होता, तो ये यूकेरियोटिक जिसमें केंद्रक होता है, और अगर मैं बोलूं प्रोकेरियोटिक तो उसमें केंद्रक नहीं होता है, तो यहां पे पूछा है यूकेरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है, तो ये समूह है इनका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा एक समूह का नाम है जिसमें कौन से जीव आते हैं, एक कोश की यूकेरियोटिक, मोनेरा में एक कोश की प्रोकेरियोटिक आते हैं, कवक तो आपको पता है फंगस, और प्लांटी मतलब पौधे, तो आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक तत्व के समस्थानिक में जेड का मान समान होता है लेकिन निम्न में भिन्न होते हैं, सबसे पहले तो समस्थानिक क्या है समझ लो आप, समस्थानिक वह तत्व होते हैं या उन तत्वों को कहते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो एक समान हो, प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु का क्रमांक, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, मतलब परमाणु भार अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाते हैं आपके समस्थानिक, तो समस्थानिक में जेड का मान समान होता है, जेड का मतलब प्रोटॉन, लेकिन क्या अलग होते हैं भाई न्यूट्रॉन, तो आंसर क्या आएगा इसका ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में, आपने परमाणु रिएक्टर सुना होगा जिसमें न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, उस पर विस्फोट होता है, बिजली उत्पादन में उसका उपयोग होता है, लेकिन जैसे ही न्यूट्रॉन की बौछार होती है तो भाई वो उसकी एक श्रृंखला बन जाती है, एक चेन बन जाती है, और उस चेन को तोड़ने के लिए, कम करने के लिए, उसको मॉडरेट करने के लिए जिस मंदक का उपयोग होता है वो होता है सबसे बेस्ट D2O, भारी जल, लेकिन यहाँ पे D2O है क्या, नहीं है, इसलिए आपको D2O के अलावा ध्यान रखना है ग्रेफाइट, ठीक है, तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खेती के विषय में उपयुक्त नहीं है, फिर से गौर करें भाई, उपयुक्त नहीं है, नहीं पे आएगा भाई, ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, सबसे पहले तो सी,
यह जैव उर्वरकों की मदद से होने वाली कृषि है। ठीक है, ये आपका सी पढ़ा मैंने, ठीक है, मिस्टेक, थोड़ा आप बी पढ़ो इसको। यह रसायनों और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग पर आधारित कृषि है। ठीक है, अब आपको पता है भाई जैविक खाद, जैविक खेती जो होती है इसमें हम गोबर के खाद वगैरह का प्रयोग करते हैं, आया समझ में। और ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, रसायन, रसायन मतलब केमिकल, तो भाई केमिकल जो खाद होते हैं आपके, ठीक है, आपने सुना होगा यूरिया वगैरह, राखड़ हुआ, पोटास हुआ, तो भाई जैविक खेती में तो इनका उपयोग नहीं होता है, इसलिए भाई ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल सही है कि भाई जैविक खेती के लिए ये जो कथन है ये उपयुक्त नहीं है, आया समझ में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण है, रासायनिक यौगिक, ठीक है भाई, केमिकल कंपाउंड की बात हो रही है यहाँ पे, और आपको पता है तीन चीजें आपने सुनी होगी, तत्व, यौगिक और मिश्रण, अगर एक ही प्रकार का परमाणु है तो तत्व, और अगर दो अलग अलग परमाणु है लेकिन उनकी मात्रा निश्चित है तो वो आपका यौगिक, और मात्रा अनिश्चित है, आपको पता नहीं है कितना क्या क्या मिला दिया है तो वो मिश्रण हो जाता है। तो संगमरमर इसको भाई आप तत्व बोल सकते हो, तांबा भी एक तत्व है, हवा, हवा क्या है भाई, ये तो मिश्रण है, इसमें कई प्रकार की गैसें हैं, कितनी कितनी है हमको नहीं पता। स्टेनलेस स्टील, बिल्कुल सही भाई, ये यौगिक है, इसमें आपने सुना होगा आयरन है, क्रोमियम है, निकिल है, कार्बन है, इनको एक निश्चित परसेंटेज में, एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील क्या हो गया आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक, अच्छा हरित लवक भी आपने सुना होगा भाई, ये पौधों वगैरह में पाए जाते हैं, हमारे अंदर नहीं होते हैं, ठीक है, तो हरित लवक युक्त मृद उतक, अच्छा उतक की बात हो रही है, उतक क्या होते हैं, कोशिका से मिलकर बने पदार्थ, उतक, उतक से मिलकर जो बनता है वो अंग, और अंग से मिलकर बनेगा तो शरीर, तो मृद उतक की बात हो रही है, तो इसका आंसर आएगा भाई क्लोरेन काइमा, क्योंकि तो क्लोरेन काइमा का जो सेल वॉल होती है, कोशिका जो दीवार होती है वो बनी होती है आपके सेलुलोज की। इसके अलावा भाई ऊपर के जो तीनों आंसर हैं ये बिल्कुल गलत हैं, और आंसर डी आपका बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आप देखोगे क्या है आपका, डी, आया इतना समझ में। ठीक है, तो इसी तरह हमारी कंटिन्यू क्लासेस लगेगी, आपको डेली हमारी क्लासेस ज्वाइन करना है, धन्यवाद।